प्रदेश सरकार के परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह का गोरखपुर पहुंचने पर लोगों ने माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया, जिसके संबंध में प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि प्रदेश में एक भी डग्गा मार बस नहीं है, सभी बसों का रजिस्ट्रेशन है। प्रदेश में फिटनेस होने के बाद ही कोई बस चलती है। यदि कोई प्राइवेट बस सवारी भरता है तो वह बीच में कहीं भी सवारी नहीं भर सकता है। यदि वह बीच में सवारी भरता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सभी चीजों को ऑनलाइन कर दिया गया है। सरकार 13 दिसंबर को बैठक करने जा रही है, जिसके बाद प्राइवेट बसों को अनुबंधित करके परमिट दे दिया जाएगा। यदि उसके बाद भी कोई सरकारी बस स्टैंड से सवारी भरता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, बसों को सीज किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश सरकार के परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने कहा, रास्ते से आगे विधायक जी 9 बजे पहुंच गए, अब 3 बजे भोर में तो आया हूँ। पकड़ो भविष्य के ये देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि हमारे जो है बसें सब सही हो गई हैं, लेकिन कायाकल्प योजना के माध्यम से बहुत सारे बसों को मैंने ठीक किया। लेकिन कोरोना काल में पिछले 2 वर्षों में कोई बस की नई खरीद नहीं हुई थी, जिसके कारण जो है पुरानी बसों को चलाना मेरी मजबूरी थी कि लोगों के आवागमन बाधित न हो, इसलिए हमने पुरानी बसों को भी जो हमारे बेड़े में नहीं रहना चाहिए, जो अपनी अवधि को पूरी कर चुकी हैं, जो इनका 10 साल हो गया है या 11 लाख किलोमीटर वो चल चुकी हैं, वो हमारे बेड़े में नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी लोगों को आवागमन में दिक्कत न हो, इसलिए मैं पुरानी बसों को भी सेवाएँ लेते रहे हैं। लेकिन अभी माननीय जोगी जी ने हम लोगों को बस खरीदने के लिए पैसे दिए, जिससे मैंने 1150 बसें पहले ही खरीद चुका हूं, जिसकी हमारी अभी उसका हमारा बॉडी बन रहा है। और अभी जो अनुपूरक बजट में पहली बार माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 1000 बसों को मैंने खरीदने के लिए हमको जो है उन्होंने धन आवंटित किया, ये परिवहन निगम के में इतिहास में पहली बार हो रहा है कि अनुपूरक बजट में और किसी भी बजट में आज तक 1 रुपया नहीं मिला। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी की सहृदयता है परिवहन निगम के प्रति कि उन्होंने 1000 बसों खरीदने के लिए उन्होंने हमको धन आवंटित किया है और मुझे आश्वासन दिया है कि चरणबद्ध तरीके से आप बस खरीदते जाइए, तो हम बस खरीदते जाएंगे और जो है उस बेड़े में शामिल होंगी और पुरानी बसों को हम निकालते जाएंगे आने वाले दिनों में आपको, क्योंकि देखिए हमारे जो रोडवेज की हमारी वर्कशॉप है जिसमें एक महीने में मैं 50 बसें केवल हमारा निर्माण हो सकता है। अभी मैं 731 बसों को अभी 4 दिन पहले ही मैं टेंडर किया हूँ और 731 बसें हम प्राइवेट से भी जो है उसको बॉडी बनाने जा रहा हूँ, तो जल्द बन करके 2-3 महीने के अंदर हमारी 1000 से ऊपर की बसें बन के आ जाएंगी, तो आपको जो है पुरानी बसें दिखेंगी नहीं। आप आज हमारे मोदी जी का जो आह्वान है कि कैशलेस सिस्टम हो, सब चीज़ें ऑनलाइन किया जाए, तो हमारे परिवहन विभाग में हमने बहुत सारी चीज़ों को ऑनलाइन किया है। अभी हमने DL को ऑनलाइन कर दिया है, आज घर बैठे आप DL बना सकते हैं, मेरे दफ्तर आने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे आप जो है परमिट ले सकते हैं, हमारे दफ्तर आने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना जो टैक्सेज हैं वो आप घर बैठे ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने इसको भी ये डिटेल किया कि बहुत सारे लोगों को सुविधा रहेगी कि वो जो है उनके पास कैश नहीं रहे और उसके बावजूद भी उनको टिकट मिलेगा, उस पर हम छूट भी दे रहे हैं कि जो इसका प्रयोग करेगा तो उसको वर्तमान टिकट से उनको कुछ कम पैसे पर उनको टिकट प्राप्त होगा। तो क्योंकि हम टिकटिंग भी 100% हमारी टिकटिंग अब जो है ऑनलाइन हो गई है, अब हमारा कोई भी मैनुअल टिकट हमारे बस डिपो पे या चाहे बस के अंदर अब नहीं बनता है, सभी जगह जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का जो है सप्लाई हो चुका है, तो सब चीज़ें ऑनलाइन हो रही है। माननीय मोदी जी और योगी जी की इच्छा के अनुरूप हम परिवहन निगम के लोग काम कर रहे हैं। पहले तो मैं आपसे एक कह दूं कि उत्तर प्रदेश में एक भी डगामार बस नहीं है और डगामार शब्द बंद होना चाहिए, क्योंकि जो बसें आप कहीं एक भी बस हमको दिखा दीजिए जिसका परमिट ना हो,
एक भी बस हमको दिखा दीजिए जिसकी जो है टैक्स जमा ना हो या उसके जो इंश्योरेंस ना हो, उसका रजिस्ट्रेशन फेल हो, ये सभी चीज़ वो देखिए वो फिटनेस होने के बाद ही कोई बस चलती है। इसलिए डगा मार शब्द का अब प्रयोग नहीं होना चाहिए, मैं आपसे कह रहा हूँ एज ए परिवहन मंत्री कि डगा मार शब्द अब नहीं है। अब सभी चीज़ों से जो जो फिटनेस लेने के बाद ही सड़क पर जो है बस चलती है। बस केवल डगा मार का अब क्या मतलब है, जो वो हमारा एक नियम है कि आप ए से जेड तक जो है आप बस ले जा सकते हैं, कोई इस पैसेंजर को भी आप उठा सकते हैं। आप गोरखपुर से पैसेंजर यदि आपने पूरे बस में भर लिया लखनऊ के लिए तो लखनऊ तक ही आप उसको ले जाएंगे, बीच में कोई आप पैसेंजर नहीं उठाएंगे ना उतारेंगे। तो वो बीच में जब वो पैसेंजर लेते हैं वो उनकी एक तरह से हमारे जो नियम का उल्लंघन करते हैं, तो ये केवल उन पर यही लागू होता है। इसलिए डगा मार शब्द जो है अब नहीं है, क्योंकि सब ऑनलाइन चीज़ें हो गई हैं। बिना फिटनेस के कोई भी बस नहीं चल सकता, बस ही नहीं न आप चाहे स्कूल बस हो, आपका प्राइवेट बस हो, चाहे आपकी खुद की गाड़ी हो, बिना फिटनेस की अब सड़क पर नहीं चल सकती है। तो इसलिए डगा मारी की कोई सवाल ही नहीं उठता है, जो हमारे नियमों का उल्लंघन करता है भाई, हर व्यक्ति सामान्य व्यक्ति भी उल्लंघन करता है, हम सब भी कभी बेल्ट नहीं बांधते हैं, कभी हम लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं, तो ये है। तो जो हमारे नियमों का उल्लंघन करेगा उस पर जो हमारी एक संबंधित हमारी जो नियम है उसके तहत हम कार्रवाई करते हैं। और उसके लिए जो विकल्प भी अभी तक क्या होता है कि मान लीजिए कि किसी को जाना है, हम उसको विकल्प नहीं दे रहे हैं, हमारी रोडवेज की बसें नहीं हैं, तो वहाँ पर जो बसें उनको उपलब्ध होती है, पैसेंजर को तो भाई सुविधा चाहिए तो उसका उपयोग करता है। तो मैं अभी जो हमारे प्रोहिबिटेड रूट थे, जो जहाँ पर केवल परिवहन निगम की बसें चलती थी, उसको भी मैंने जनता के लिए लागू कर दिया है। उसको 13 तारीख को हमारी एसटीए की बैठक है, उसमें हम परमिट जारी करने जा रहे हैं। तो जब उनको परमिट मिल जाएगा, जो हमारे लोग परमिट लेकर के उसको चलाएंगे, उनको भी मैंने कहा है जो इस तरह के काम करते हैं, जो हमारे पैसेंजर को उठाते हैं, तो मैंने उनसे भी कहा है कि आप आइए हमसे अनुबंधित होइए, आप हमसे परमिट लीजिए, आप अवैध तरीके से इस तरह का कार्रवाई न करिए। और यदि उसके बावजूद भी करते हैं तो आप देखते होंगे कि प्रतिदिन चेकिंग होती है और मैं उनको उन पर चार्ज करता हूँ। एक थोड़ी सी दिक्कत आती है, वो व्यवहारिक दिक्कत यह है कि जब मैं उनकी बसों को सीज करता हूँ तो जो पैसेंजर होते हैं तो उनको कठिनाई होती है, 3-3 घंटे लग जाते हैं, उनको हम अपनी दूसरी बस भेजते हैं, फिर उनको गंतव्य तक पहुँचाते हैं, तो हमारे पास व्यवस्था उतनी नहीं है। तो मैं यदि इसका विकल्प जिस दिन तैयार कर लूँगा, उस दिन एक भी जो इस तरह की बसें जिसको आप कह रहे हैं वो सड़क पर नहीं चलेंगी। नहीं देखिए, बहुत सारे शिकायतें आती थी, जो टैक्स की चोरी होती थी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जो इसमें टैक्स की चोरी कर रही थी, इसकी शिकायतें आए दिन जो है विभागों को प्राप्त हो रही थी। लेकिन व्यापारियों को कहीं कठिनाई है, कई जगह हम लोगों से भी मिले हैं लोग व्यापारी, तो हम लोग इस बात को ऊपर में बात करेंगे और व्यापारियों की कोई भी कठिनाई होगी उसको दूर किया जाएगा। कि मैं इस बात को नहीं मानता हूँ कि बजट नहीं है, बजट का रिफ्लेक्टर बहुत ही आवश्यक है और ये लोगों की जान से ज़िंदगी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसके लिए कोई बजट की कमी नहीं है। जो भी व्यक्ति कहा हो वो हमारे यहाँ भेजे और यदि उसको बजट न मिले तो फिर बताए, इसके लिए कोई बजट की कमी नहीं है और इसके लिए गाइडलाइन बनाई गई है। उस गाइडलाइन के तहत सबको जो है रिफ्लेक्टर लगाना अनिवार्य है, चाहे वो हमारी सरकारी गाड़ियाँ हों या हमारी प्राइवेट गाड़ियाँ हों, सबको, क्योंकि ज़िंदगी के साथ कोई खिलवाड़ करेगा ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।